हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका डीके स्टिचिंग टिप्स में। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में ये देखिए, इस तरीके के सूट की कटिंग करना बताऊंगी। देखिए, जिस सूट के साइड में ये इस तरीके से स्लीव्स दी हुई होती हैं, और आजकल इस तरीके के सूट बहुत चल रहे हैं। तो ये देखिए, इसके घेरे पर ये इस तरीके से प्रिंट बना है, और उसके नेक पर भी ये इस तरीके से प्रिंट है, और ये हल्का सा काम है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से स्लीव्स हैं इसके साइड में। ये देखिए, स्लीव्स पर भी इस तरीके से ही प्रिंट बना है। तो दोनों स्लीव्स साइड में दी गई हैं, और ये देखिए ये बैक पार्ट है हमारी कुर्ती का। ठीक है, तो इस तरीके के सूट की कटिंग किस तरीके से करेंगे, तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारी कुर्ती का बैक और फ्रंट पार्ट है उसको हम अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको अलग अलग करने के बाद ही हमारे कुर्ती की कटिंग हो पाएगी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने फोल्ड कर लिया है कपड़े को, और ये देखिए स्लीव्स भी हम इसमें साथ में ही अलग कर लेंगे। ये देखिए जो स्लीव्स है इसमें सेंटर दिया हुआ है, यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे देखिए। और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जो इस तरीके के सूट होते हैं उसमें कान ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हमने कान वाले सूट को पहले ही देख लेना है। तो ये देखिए, अब यहाँ तक हमारी स्लीव्स बन जाएंगी, और जो हमारी कुर्ती का कपड़ा दिया गया है उसको हमने, ये देखिए जो नेक पर हमारी जो टाई पट्टी बनी है वहाँ से ये इस तरीके से पकड़ते हुए और इसको फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने जो नेक पर टाई पट्टी दी गई है वहाँ का से सेंटर करना है कुर्ती का। ठीक है, तो ये देखिए ये पूरा पूरा हमारा यहाँ पर कपड़ा आ रहा है, जितना हमारा मेजरमेंट है। हिप साइज में मैंने मार्जिन को ऐड कर लिया था, और ये देखिए अब यहाँ से इसको कटिंग कर दूंगी मैं। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट के लिए ये हमने कपड़ा निकाल लिया है। ये देखिए लेंथ हम देख लेते हैं, तो ये देखिए लेंथ हमारी पूरी है यहाँ पर। अब जो ऊपर की साइड, ये देखिए कान निकल के आई है कपड़े में हमारे, इसको हम कटिंग कर देंगे। ठीक है, इस तरीके के सूट में कान थोड़ी बहुत तो निकलती ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सूट में बहुत ज़्यादा कान आ जाती है, तो उसमें हमारा सूट बनना मुश्किल है। और ये देखिए जो बैक पार्ट था उसको मैंने रख लिया था, और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के देखिए इस तरीके से, और इसको कटिंग कर लिया है, यानी कि दोनों पार्ट मैंने निकाल लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस कुर्ती में मैं प्लेट डालने वाली हूँ, तो प्लेट वाली कुर्ती में हमने जो बॉर्डर होता है उसको किस तरीके से सेट करना है। ये देखिए जो फ्रंट पार्ट होता है हमारा कुर्ती का, ये देखिए उसको हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। जो हमारा बैक पार्ट है उससे हम हाफ इंच यानी कि नीचे की साइड बढ़ा कर रखेंगे इसको। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ये हम क्यों रखते हैं, क्योंकि जो कुर्ती है हमारी इसमें हम प्लेट डालेंगे, जो साइड वाली प्लेट हमारी कुर्ती में डलती है उसमें हमारा हाफ इंच के आसपास हमारा कपड़ा सिलाई में जाता है, तो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा कर लिया है फ्रंट पार्ट को। ठीक है, अगर हम ये इस तरीके से नहीं करेंगे तो हमारे जो पल्ले होते हैं बैक और फ्रंट वो छोटे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये कपड़े को मैंने ऊपर से जो हमारा निकला था उसको कटिंग कर दिया है, और तीरे के लिए मार्क लगाया मैंने 7 इंच पर, और आर्म होल के लिए 8 इंच पर लगाया है, और ये देखिए ये गोलाई के लिए मार्क मैं लगा लूँगी 1 और 1.5 इंच पर, और इस पर गोलाई डाल दूँगी। ठीक है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स अब इसकी फिटिंग की मार्किंग मैं नहीं करूँगी इस पर, क्योंकि जो प्लेट वाली कुर्ती होती है उस पर फिटिंग की मार्किंग बाद में होती है प्लेट डलने के बाद। तो देखिए यहाँ पर मैं इस पर प्लेट डालूँगी, ये 12 इंच पर मैंने प्लेट के लिए निशान लगाया है, और जो प्लेट की लेंथ रखी है मैंने 7 इंच रखी है। अब देखिए यहाँ पर जो प्लेट की हमारी सिलाई लगती है वो लगाने में बहुत दिक्कत होती है बहुत से लोगों को, तो ये देखिए इस तरीके से इसकी गोलाई की शेप देनी है हमने। ठीक है, तो ये लगभग 1/2 इंच के आसपास हमारा कपड़ा सिलाई में चला जाता है। अब देखिए जो दोनों
हमारी साइड वाली प्लेट है वो जाएगी, जो कमर की हम फिटिंग का निशान लगाते हैं वहाँ पर जाएगी साइड वाली प्लेट, और जो ऊपर वाली आर्म होल में जाती है वो बिल्कुल कॉर्नर पर जाएगी। देखिए इस तरीके से, और दो दो इंच का गैप रखते हुए हमने जो प्लेट है उनका मार्क कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर आर्म होल की कटिंग कर देंगे और आधा इंच शोल्डर को डाउन कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए कटिंग हमारी हो गई है। अब जो हमने प्लेट लगाई है उसको हम दूसरी साइड पर भी मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए उसके लिए ये बेस्ट तरीका है। इस तरह से हमने कुर्ती को सीधी साइड फोल्ड कर लेना है और ये देखिए हाथ से इसको थपथपा के दूसरी साइड हमने मार्क ले आने हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भी हम जो मार्क आए हैं उनको पक्का कर लेंगे। और फ्रेंड्स जो बैक पार्ट है उसकी नेक की कटिंग मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत बार मैंने बताई हुई है, आप चैनल पर जाकर विजिट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो देखिए जो दोनों पार्ट हमने स्लीव्स के लिए निकाले हैं उनको ले लेना है। और ये देखिए स्लीव्स की हमारी लेंथ है वो यहाँ तक आ रही है, पोनी हमने स्लीव्स इसमें बनानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स जो ये कपड़ा है इसमें कान नहीं है बिल्कुल भी, जो प्रिंट होता है उसमें बहुत कान आती है इस तरीके के सूट में, तो उसको मैंने स्लीव्स का जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो बनाऊंगी, और जो ये कपड़ा मैंने लिया है इसमें मैं ज्वाइंट डालूंगी। ठीक है, तो क्योंकि देखिए इसमें कान है जो प्रिंट है तो वो नीचे की साइड आ जाएगा ताकि जो हमारी स्लीव्स है उसमें नज़र ना आए। ठीक है, तो इस कपड़े से मैं इसमें ज्वाइंट डालूंगी। और इसी तरीके से इस तरीके के सूट की जो स्लीव होती हैं वो बनती हैं, इनमें ज्वाइंट आता ही आता है। ठीक है, अब देखिए जो एक्स्ट्रा यहाँ से जो कपड़ा है उसको मैं कटिंग कर दूंगी। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए फोर फोल्ड मैंने इस तरीके से इस कपड़े को कर लिया है और फोर फोल्ड ही मैं इसको करूंगी। ये देखिए इसका भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देती हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो इसको भी इसके साथ में ऐसे रखेंगे। जो दोनों पार्ट है हमारे फोर फोल्ड हैं, ये देखिए। तो ये देखिए कितनी हमारी कान है इसमें, तो जो कान है हमारी नीचे की साइड आ जाएगी तो इसलिए इसमें हमारी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो जितनी हमने मोहरी रखनी है स्लीव्स की उसके लिए मार्क लगा लिया है, मार्जिन मैंने ऐड कर लिया है। और तीन इंच पर ये देखिए यहाँ पर मार्क लगाऊंगी, और ये देखिए इस तरीके से मार्क करके यहाँ पर गोलाई की शेप दे देंगे। ठीक है, ये देखिए अब जो हमने मार्किंग की है उस पर हम कटिंग कर लेंगे। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसको मैं यहाँ से कटिंग कर दूंगी, ये देखिए। और इसमें अब यहाँ पर ये हमारे ज्वाइंट लग जाएगा स्लीव्स में। तो चलिए फ्रेंड्स मिलती हूँ अगले वीडियो में, थैंक यू।